जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 26 जून को जो आपका आयोजित हुआ है वीडियो का री एग्ज़ाम, उसकी आंसर की, एक सटीक आंसर की जो कि कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हुई है। तो आइए उसको बिना देरी करें जल्द से जल्द एकदम सुपर फास्ट तरीके से अपनी आंसर की को हम चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा आंसर नंबर डी, इसका पहले का डी सही होगा। इसके बाद दूसरे का देखेंगे हम, दूसरे का आपका इसका भी डी सही होगा, क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्य का जो लाख और डी नहीं होगा, इसका ए होगा, ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसका सही शब्द युग्म सही शब्द युग्म सही नहीं है, तो जो इसमें गलत शब्द युग्म है उसको आपको चुनना है। तो अभिराम अभिराम वाला इसमें जो कि आपका एक गलत दे रखा है। इसके बाद अगला देखेंगे हम जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपके ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, तो इस वजह से आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर ही अपने क्वेश्चन का आंसर टिक करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो और अगली शिफ्ट की जो आंसर की है आप तक समय पर पहुंच जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसमें, जो इसका आंसर है ये वाला आंसर नंबर सी, इसका सही दे रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बात जुड़वा शब्द में बा उपसर्ग है, उपसर्ग होगा इसमें वा, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ये वाला इसका सही आंसर होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर का, तो इसमें इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है सेवन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा इसमें आप अच्छे से देख के बता देंगे, तो आपका शब्द होगा दंपत्ति, इसमें पुल्लिंग शब्द होगा। इसके बाद है अगला आडंबर, आडंबर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आडंबर ढोंग भी होता है, पाखंड भी, ढकोला ये नहीं होता, आपका दर्प ये होता है अभिमान उसका, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। इस प्रकार से आप अगला जो इसमें पैसेज दे रखा है, पैसेज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सही आंसर है आपका अत्यधिक शक्ति एवं समय से धन खर्च होने के कारण, इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि आपका ऑप्शन अलग हो सकता है पर आप इसका जो आंसर है अत्यधिक शक्ति वाला वह आपका सही होगा। इसके बाद अगला देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर दे रखा है मेरे पेपर के अनुसार, इसमें सही आंसर दे रखा है आपका औद्योगिकरण वाला, तो आपका भी इसमें सही दे रखा है ए, औद्योगिकरण में वृद्धि वर्षों से बढ़ती जनसंख्या के तथा कृषि में विस्तार होने से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा सही, जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर, मुख्यतः भवनों की छत पर, इसमें भी यह आंसर सही दे रखा है ए। इसके बाद अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है 13, तो 13 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है जल का संरक्षण कर्मधारय समास, इसमें सही ऑप्शन होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर होगा कंक्रीट चट्टान लकड़ी अथवा मिट्टी से, तो इस प्रकार से यह आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है 15 में जो कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन कौन सी हैं, तो कै वर्ग जो है सब आपका कंठ जो कंठ की ध्वनि होती है। इसके बाद अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो सही आंसर होगा वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद, क्योंकि ये ब्रजभाषा के कवि नहीं है। इसके बाद है मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संगीत ग्रहित संग्रहित हैं, तो इसमें किसकी कहानियां संग्रहित हैं, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका सही आंसर देख कर आप
इसके बाद अगला, क्योंकि मानसरोवर कई की रचना है इसमें तो दो की है, तो यह आंसर अभी आप बाद में बना हुआ है, आपके अनुसार जो सही होगा इसको आप छोड़ देंगे ऐसे ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है 18 का है, अध्यक्ष महानगर पालिका में लिखे जाने वाले ये पद होते हैं, तो यह व्यक्तिगत पत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसके बाद अगला 19वां, जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो मध्य की स्वर संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि, ये आपका व्यंजन संधि की परिभाषा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो कबीरदास की आपकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी, यह सभी आपको पता होगा। कबीरदास की आपकी ये है पंचमेल खिचड़ी। इसके बाद है, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, यह है माखनलाल चतुर्वेदी को, यह आपका एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है, तो संघ की राजभाषा 343 में है, अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का है, इसमें आप डायरेक्ट देख लेंगे क्वेश्चन, मैं ऑप्शन बोलूँगा तो आप अपने ऑप्शन से मिलाएंगे, तो इसमें जो है आपका सही दे रखा है, इसमें ऑप्शन है संस्कृत, यहाँ आपका सही दे रखा है, सबसे प्राचीनतम भाषा। इसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ आपका इसमें तो शायद गलत लगा रखा है, रस खान, नहीं सही है, रस खान रचनावली इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 25 का होगा अपूर्ण वर्तमान काल इसका सही आंसर होगा, अपूर्ण वर्तमान काल इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है, मधुर प्लस अरि ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें निम्नलिखित में से अपदान कारक वाला, तो अपदान कारक वाला जो आपका क्वेश्चन है, वह चूहे से डरता है, इसमें सही ऑप्शन होगा, वह चूहे से डरता है। इसके बाद अगला देखेंगे हम 28वां, से किस कारक की विभक्ति चिन्ह होता है, तो सी अपदान में से पर। इसके बाद अगला, समझौता शब्द का कौन सा प्रत्यय लगा होता है, समझौता में होता, तो इसका सही आंसर होगा आपका होता। इसके बाद है अगला 13 नंबर के क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा समवृष्टि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 31 का है, पर्णकुटी द्वंद्व समास, यह पर्णकुटी जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से यहाँ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 32 नंबर का है, इसका सही आंसर होगा आपका सांतरस, तो सही होगा आपका सांतरस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है, तो श्रृंगार रस का उदाहरण आप देख लेंगे इसमें, तो श्रृंगार रस का आपका उदाहरण होगा पास वाला, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है पास ही मिलकर उगी है, इस प्रकार से ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका होगा यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ उससे आप टिक लगाएं, आपका ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद है 35वें क्वेश्चन का है, मुखर और विपिन, इस प्रकार से इसका सही आंसर है, तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 36वां, इसका है, जो बिना वेतन पदोन्नत किसे कहते हैं, तो पदोन्नत कहते हैं, इससे ऊपर वाला देखेंगे पहले 36वां, तो 36वें का आंसर है, जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 37वां, इसका है, जिसकी बुद्धि तुरंत सूझ उत्पन्न करती हो, इस प्रकार से आपका ये आंसर सही होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे आगे 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका आशीर्वाद, ये इस प्रकार से आपका आशीर्वाद ये वाला सही होगा।
इसके बाद है आपका जल्दी अम्बुद, तो यह आपका इसमें गलत लगा रखा है, इसमें पुरंदर और अमरपति इसका सही आंसर होगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन होगा 40वें नंबर का, तो इसका सही आंसर आपका होगा कृपा, कृपा इसका सही आंसर दे रखा है। इसके बाद अगला निम्न में से 41वें नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर है सिलाई, सलाई सलाई, इस प्रकार से यह सही है इसका आंसर होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसका सही आंसर होगा आपका बढ़ती का और, नहीं ये इसका गलत दे रखा है इसमें, पोत्र और पुत्र, पुत्र ये वाला पहला वाला इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होने वाला है अनुप्रास अलंकार, तो ये इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका तिथि, तिथि का बहुवचन क्या होगा आपका, ये तो आपने लगा कर ही आए होंगे, इसका हो गया तिथियां, इसका सही आंसर होगा आपका तिथियां। इसके बाद है घर, घर का बेदी लंका डाय, इसका आपका सही होगा आपसी फूट में सर्वनाश होता है, तो आपसी फूट में सर्वनाश, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है ठठेरे का शब्द, ठठेरे शब्द का ठठेराइन या ठठेरनी, तो इसका आप सही, एक मिनट में देख के बताता हूँ, ठठेरिन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला आँखों का तारा होना अति प्रिय होना, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है मान ने मान पे तेरा मेहमान, तो इसका सही आंसर होगा जबस्ती गले पड़ना। इसके बाद इसका 49वें नंबर का आंसर होगा वन में प्रातःकाल दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। इसके बाद अगला किस विकल्प में शब्द तद्भव है, तो इसमें किस विकल्प में आपके तद्भव शब्द दे रखे हैं, जो इसका छड़का छड़का खेत वाला, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 51वें नंबर का क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, 51वें नंबर का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, आप इसको देख लेंगे, तो एक मिनट आपका मैं अच्छे से देख लूँ कि जिससे कि आपकी कोई भी गलती क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाए। इस प्रकार से इसका आपका सही आंसर होगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि दी गई व्यवस्था, इसमें आपका आंसर होगा यू, इसका सही आंसर होगा आपका यू। इसके बाद अगला है, अगला दे रखा है इसमें नीचे दिए गए, इसका सही आंसर होगा यदि दोनों धारणाएं ये अंतर्निहित हो, ये वाला आंसर इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ इस प्रकार का जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, तो इसका आंसर होगा आपका डी, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, अगले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 196, 196 इसका राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आपके विवादित रहेंगे, तो उनको आप ज़्यादा दिमाग से नहीं लेंगे, आप उनको लाइटली लेंगे और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगला क्वेश्चन है 40 लड़के वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5वां, फिफ्थ। तो इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन होगा रामा और मोहन वाला, तो इसमें क्या होगा आपका फुपेरे वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। इसमें इसके बाद में 58, क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसका सही आंसर आपका होगा 90 वाले का, इसका आंसर होगा आपका 25 इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर 25 होगा 90 वाले का। और इसके बाद अगला देखेंगे आप आकृति वाले में, आकृति वाले में आप ध्यान से सोल्व करिएगा इसे, जिसमें एक साइड इधर की खाली दे रखी है, ये वाला आंसर आपका सही होगा। इसको आप अच्छे से देख लें, सी वाला, सी इसका सही आंसर होगा हमारे पेपर के अनुसार। इसके बाद है आपका
इसमें एक लंबा चौड़ा सा पैसेज दे रखा है, इसमें 60 नंबर का सरकार वाला। तो इसमें सरकार वाले का आंसर होगा आपका, यदि अनुमान वाला इसका आपका सही होगा, सरकार वाले का आपका यदि अनुमान वाला आपका विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महिलाओं वाले का सही आंसर होगा, यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित, यदि आपको लगता है अनुपात ये वाला आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, यह आपका महिलाओं वाले का सही होगा, अनुमान निश्चित और असत्य है। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, मिनट, आपका सही हो गया है। इसमें 62वें नंबर का जो रनआउट और डिलीवरी वाला है, इसमें क्रम में जो लगाना है इसका होगा 24153। 24153 इसका सही आंसर होगा, 24153। इस प्रकार से आप इसको सही कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला, कृत्रिम भाषा वाला। तो कृत्रिम भाषा वाले में आपका विकल्प नंबर इसका नहीं दे रखा है, तो यह आपका विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सही नहीं आ रहा है। यदि कृत्रिम भाषा वाला दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो दे रखा है कॉर्नवायर ये वाला ऑप्शन नंबर बी, इसका सही दे रखा है। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि शब्द सब सभी शब्दों का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार से आपका कौन सा आएगा सबसे पहले, या इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप डायरेक्ट देखेंगे। इसका सही आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर सी होगा, ARERAS वाला इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप अगला क्वेश्चन है, इसमें जिसकी सही आकृति आपकी कौन सी होगी। तो इसमें सही आकृति नहीं, इसमें मिक्स आकृति कौन सी होगी। तो इसमें मिक्स आकृति आपकी होगी, आप इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, आप अपने पेपर में गौर से देखिए, क्योंकि इसमें साफ नहीं चमक रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें लगभग सही आंसर दे रखा है आपका, जो आंसर है इसके बाद है 4 सदस्यों वाले का आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर होगा एस। 4 सदस्य वालों का आपका आंसर होगा एस। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 68वें क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, जिसमें दे रखा है यदि पी का अर्थ भाग। तो इसमें आपका आंसर होगा जो कि 132, आपका इसमें सही आंसर होगा 132। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें प्लस का अर्थ घटाना, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा -8, इसका सही आंसर होगा -8। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन स्टार वाला देखेंगे, तो स्टार वाले में इसमें अच्छा नहीं चमक रहा है, तो इस वजह से मैं सही आंसर नहीं कर पाया हूँ। पर फिर भी जिसमें ऊपर के साइड शेड है, यानी कि ऊपर की साइड सेड है, तो लगभग इसमें आपका सी आपका आंसर जो कि सही होगा, जल प्रतिबिंब दे रखा है इसका। तो इस प्रकार से आपका निम्नलिखित में से 4 संभावित वाले का उत्तर इसमें दे रखा है, रेल लाइन वाले का। इसमें रेल लाइन वाले का आपका डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, किसी भी संभावित दुर्घटना की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलेंगे। इसके बाद इसके अगला अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, इसका आंसर आपका होगा JLO
BNDUR, इसका पहला ही आंसर आपका सही होगा। इस प्रकार से इसका जो अगला होगा 73 का आंसर दीवार घड़ी वाला, तो दीवार घड़ी वाले का आपका जो सही आंसर है इसको आप निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो ये विभाजित क्वेश्चन है इसका आंसर गलत आ रहा है। इसके आंसर को UP SSSC के अनुसार अभी सही नहीं बताया जा सकता। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, चपाती वाला। चपाती ले लेंगे ये वाला है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ इसका आंसर होगा आपका विनम्रता से, इसका सही आंसर होगा विनम्रता वाला, विनम्रता वाला इसका आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। इसके बाद आपका जो कि एक रह गया था इसको आप अच्छे से देखेंगे आप, हाँ इसका आंसर होगा हवाई जहाज ABC, हवाई जहाज ABC वाले का, हवाई जहाज ABCD के पूर्व, तो इसका आंसर होगा आपका पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, इसका सही आंसर होगा पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, यानी कि सी वाला इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है डी के बाएं तीसरा कौन सा होगा, नहीं नहीं ये वाला नहीं होगा, हेलीकॉप्टर वाला आपका इसमें दे रखा है आपका, और भी आप इसको एक मिनट में और जूम कर लेता हूँ थोड़ा, सीटिंग अरेंजमेंट वाला देखेंगे आप पहले ही वाला क्वेश्चन, तो इसमें दे रखा है EF और D बीच में बैठे होगा, EF D के बीच में बैठा होगा, ये वाला आपका आंसर सही होगा सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, डी के बाएं कौन सा होगा तीसरा, तो डी के बाएं कौन सा होगा तीसरा, एफ, डी के बाएं तीसरा कौन सा होगा, एफ। इसके बाद है 77वें नंबर का उत्तर पूर्व, इसका आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व, 30 मीटर वाले का होगा आपका उत्तर पूर्व। इस प्रकार से आप पहचान कर लेंगे, और इसका सेटिंग हेलीकॉप्टर वाले का देखेंगे हम, इससे अगले हमने कर लिए हैं हवाई जहाज वाले का कर लिया है, इससे अगला एक मिनट रुक जाइएगा, इसको मैं आपका सीधा कर लेता हूँ। इसमें दे रखा है जिसमें M का पिता कौन है, तो M के पिता कौन वाला है? इसका सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर C, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आंसर नंबर C। तो यदि दोनों का डाटा एक साथ दिया जाए, यदि दोनों का डाटा एक साथ दिया जाए, ये वाला कथन नंबर बी, बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 3 साल वाले का, 3 साल पहले पति और उसकी बच्चों की आयु वाला जो क्वेश्चन है, इसकी आयु होगी आपकी 40 वर्ष, इसका आंसर होगा आपका 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आपके प्रश्न वाला सूरजमुखी वाला जो प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, केवल अकेला सी डाटा पर्याप्त है, अकेला सी डाटा पर्याप्त है, यानी कि अकेला सेकंड डाटा पर्याप्त है, इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप इन सभी को कर लिया होगा आपने। इसके बाद आपका जो GS है उस पर पहुंच जाएंगे आप।
तो तो इनके आंसर देखेंगे आप। इसका पहले का आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन का होगा, हाल ही में भारतीय मूल का तो किसने करा है, यह विश्व बैंक ने करा है, तो इसका आंसर होगा सी, सही। भूपेन हजारिका सेतु किस पर बना है, तो लोहित नदी पर, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय सेना में इसमें शामिल किया गया है सबसे ऊंचा किस पर किया गया है, भारतीय सेना ने किस राज्य में किया गया है, तो यह आपका इसका आंसर होगा मेघालय। इसके बाद है केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य को किया गया है, तो वाराणसी को। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भोजन के तहत, तो इसका सही आंसर होगा आपका 10। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया है, तो ऑपरेशन सद्भावना वाला आप सही आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा बी, लद्दाख। डी, इसका लद्दाख सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक समानता किस में है, तो यह समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। इसमें भारतीय मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप देंगे मौखिक स्वास्थ्य वाले का। एक बार, एक मिनट, मुझे डाउट है, मैं देख लेता हूँ मौखिक स्वास्थ्य वाले का। मौखिक स्वास्थ्य वाले का आपको पता हो तो आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन कैसे छूट गया, एक मिनट। तो मौखिक स्वास्थ्य वाला आप गूगल से देख लेंगे एक बार, वो सही बताएगा गूगल। तो मौखिक स्वास्थ्य वाला आप देख लेंगे, पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ये भी आपको, ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है आपका। इसके बाद है आपका, ये देख रहे होंगे आप, लाफिंग गैस वाला, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका इसका सही आंसर है। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है, तो यह जो है असम में है। इसके बाद है अगला, निम्न में से सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज, इसकी सही आंसर होगा। इसके बाद है आपका, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ई शायद इसमें पाई जाती है। इसके बाद UP SSSC के अनुसार, हम इनके बहुत ही आंसर लगाए हैं हमने, गारो खासो और जयंती की राजभाषा किस क्षेत्र में है, तो यह मेघालय में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपका जाति आयोग है, 338 में। इसके बाद अगला देखेंगे हम, पांचवी पीढ़ी में क्या है, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टोडरमल क्या थे, तो टोडरमल वाले का आपके मुसाफिर ए दीवान इनको कहा जाता था। इसके बाद है भारतीय संविधान सूची में, अनुसूची में पंचायतों की शक्ति का वर्णन किसमें किया गया है, नवीं अनुसूची में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मथियाना मिर्च इसकी फेमस है, तो मथियाना मिर्च जो है आपकी राजस्थान की फेमस है। राजस्थान की आपकी मथियाना मिर्च राजस्थान की फेमस है आपकी। इसके बाद देखेंगे कलकारी चित्र, कलकारी चित्र वाला आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में रंगा हुआ सूती कपड़ा इसकी चित्रकारी का फेमस है। इसके बाद है हाइड्रोफाइट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप चोल वाला, तो इसमें चोल वाला सही इसका आंसर होगा सी, हमारे अनुसार दे रखा है इसमें ची सी, तो उसका सही आंसर होगा आपका विजय लेवन, विजयालय चोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन चोरी चोरी घटना के बाद, चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसके बाद दलमा अभ्यारण्य कहाँ है आपका, तो दलमा अभ्यारण्य आपका आप इसमें सही बिल्कुल लगाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके आंसर की जल्द हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपका डाल देंगे। तो तलमा जो है इसका सही आंसर होगा झारखंड। इसके बाद है माय लाइफ किसकी, बिल क्विंटल की। इसके बाद है भारत में किस राज्य को नहीं छूता है, तो यह तेलंगाना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। इसके बाद है ये शब्द जो है किससे शामिल है, संबंधित है शतरंज से। इसके बाद है सबसे अधिक बल है शनि, शनि शनि ग्रह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का, क्योंकि इसका एक अपना अधिकार है, अपना अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद 17। इसके बाद है अगला कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक शक्तिशाली था, तो यह मगध राज्य था। इसके बाद है अगला अगला क्वेश्चन है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है इसका सही आंसर होगा नाटो का 31वां, तो यह फिनलैंड बना है। इसके बाद हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में, तो यह इसका आंसर होगा 142 का ए, इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय अमित शाह वाले क्वेश्चन का इसका आंसर होगा, अमित शाह जी वाला क्वेश्चन का इसका आंसर होगा सामाजिक कार्य। इसका है 12 लाचा दर्रा किस किस को जोड़ती है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। इसके बाद है अगला स्वार्थी क्या है एक, तो यह एक रडार है स्वार्थी, तटीय निगरानी रडार है। इसके बाद आपका जो आंसर होगा होला मोहला, तो यह होला होला वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका पंजाब। इसके बाद है आपका निम्न में से चट्टानिक अधिक, तो यह कायांतरित शैल इसका सही आंसर होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर आपकी जो डाउट्स हैं और किस किस क्वेश्चन में आपका विवादित रहेंगे, उन सब की जानकारी जल्द ही आपकी अगली वीडियो में बता दी जाएगी। और साथ ही साथ आपकी जो एक एक आंसर की है OMR बेस्ड, वो आपको ऑफिशियली आंसर आंसर लिखकर आपको टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जोड़ लें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।